करके यह मान प्राप्त किया। हमारी पाठ्य पुस्तक में क्रम संख्या 5 पर जो प्रयोग है ग्रुप ए, वो प्रयोग है विभवमापी से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अभी हमने विभवमापी का एक प्रयोग देखा था जिसमें हमने दो सेलों के विद्युत वाहक दोनों की तुलना देखी थी। उसी प्रकार से यह प्रयोग भी उसी सिद्धांत पर आधारित है। प्राथमिक परिपथ ठीक वैसा ही है जैसा कि पूर्व प्रयोग में दिखाया गया था। दृष्ट धारा का स्रोत ए बिंदु पर, उच्च विभव के बिंदु पर, यह वह प्राथमिक सेल है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके समांतर क्रम में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स अर्थात प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ते हैं और इन दोनों के बीच में एक कुंजी लगा दी जाती है। यह द्वितीय परिपथ पूर्ण हुआ। यहां जो सूत्र काम में लाया जाता है वो हम अपने सिद्धांत से जानते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। और ये कहां से प्राप्त होता है, यह हमें अच्छी तरीके से अपने सिद्धांत से प्राप्त है कि यह इस सूत्र से प्राप्त होता है। यहां E सेल का खुले परिपथ में टर्मिनल वोल्टता अर्थात उसे विद्युत वाहक बल कहेंगे और ये भी बंद परिपथ में सेल के दोनों सिरों पर विभवांतर जिसे हम टर्मिनल वोल्टता बंद परिपथ की कहेंगे और ये प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया प्रतिरोध है। यह E L1 X के बराबर होता है और V L2 X के बराबर होता है, जहां L1 इसको संतुलन लंबाई है और V इसकी संतुलन लंबाई है। और इस प्रकार से यह सूत्र हम उपयोग में लेंगे। हम देखते हैं किसी व्यवस्था टेबल पर इस परिपथ को जोड़ने में हमने बनाई। इस परिपथ की व्यवस्था इस प्रकार है, ये हमारा विभवमापी है जो 10 तारों से मिलकर बना है। ये हमारा ए बिंदु जिसे उच्च विभव का बिंदु कहेंगे, यह बी बिंदु है, दृष्ट धारा का स्रोत जिसे हमने प्रत्यावर्ती धारा से दृष्ट बनाने वाले के रूप में काम में लिया है, यह उच्च विभव का बिंदु ए पर जुड़ रहा है, निम्न विभव का बिंदु माइनस वाला कुंजी पर, कुंजी का सिरा धारा नियंत्रक के नीचे वाले सिरे पर, धारा नियंत्रक का ऊपर वाला सिरा बी बिंदु पर। इस प्रकार यह हमारा प्राथमिक परिपथ पूर्ण होता है। द्वितीय परिपथ के लिए हमने जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, यह एक एकलांशी सेल है, यह इसका कार्बन की छड़ धनात्मक इलेक्ट्रोड का काम कर रही है और इसके अंदर जस्ते की छड़ ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का काम कर रही है, बीच में अमोनियम क्लोराइड का विलयन इसके अंदर भरा हुआ है। यह प्लस वाला सिरा उच्च विभव के बिंदु विभवमापी पर ए पर जुड़ा हुआ है, निम्न विभव वाला सिरा कुंजी पर और कुंजी का वही सिरा गैलोमीटर के एक सिरे पर और गैलोमीटर का दूसरा सिरा जॉकी पर जुड़ा है, कुंजी का दूसरा सिरा रेजिस्टेंस बॉक्स या प्रतिरोध बॉक्स के एक सिरे पर और प्रतिरोध बॉक्स का दूसरा सिरा पुनः हमारे कार्बन की छड़ अर्थात प्राथमिक सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड पर जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम सेल को खुले परिपथ में संतुलित कर L1 ज्ञात करेंगे। देखते हैं L1 कैसे आती है। प्राथमिक परिपथ को ऑन करने के लिए हम इसे चालू करेंगे। हमने प्राथमिक परिपथ को ऑन किया और प्राथमिक परिपथ की कुंजी चालू की। पुनः सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा परिपथ सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम जोकी को लेकर ए सिरे के पास गैलोमीटर में विक्षेप देखेंगे जो राइट साइड में जा रहा है और फिर बी सिरे के पास देखेंगे, यह भी राइट सिरे पर जा रहा है क्योंकि अभी हमने हम देखें हमारा संतुलन सही है या नहीं। तार नंबर पहले पर जो कि गैलोमीटर में विक्षेप किस तरफ देती है, जैसे ही हमने ए सिरे के पास उसे स्पर्श कराया और विक्षेप दाईं तरफ आया, बी सिरे के पास हमने स्पर्श कराया तो दूसरी बाईं तरफ आया, अर्थात मध्य में कहीं संतुलन बिंदु होगा और हमारा यह प्रयोग सही काम कर रहा है। अभी यह प्रतिरोध बॉक्स में कोई भी धारा नहीं दे रही क्योंकि ये कुंजी खुली हुई है। हम L1 निकालने के लिए देखते हैं कौन से तार पर संतुलन बिंदु आता है। पहले तार पर विक्षेप राइट में है, दूसरे पर भी राइट में, तीसरे चौथे और पांचवें तार, छठे तार, सातवें तार तक, छठे तार पर विक्षेप दाईं तरफ है और छठे तार पर भी 1, 2, 3, 4, पांचवें पर दाईं तरफ है और छठे तार पर लेफ्ट तरफ हो रही है, इसका मतलब पांचवें तार पर ही कहीं
शून्य विक्षेप होना चाहिए। हम देखते हैं यह शून्य विक्षेप बिंदु पांचवें तार पर हमें प्राप्त हो रहा है और इसकी लंबाई पढ़ने के लिए हम स्केल का सहारा लेंगे। सर्किट को एक बार पुनः बंद करेंगे और पांचवें तार के इस बिंदु पर हमें लंबाई पढ़नी है ए सिरे से। ए सिरे से यहां 100 सेंटीमीटर हो रहे हैं, यहां 200 सेंटीमीटर है, पुनः यहां 300 है, वहां 400 है और यहां हम अगर इसको लगाएं तो ये लंबाई हमें पता चलेगी तार नंबर 5 पर। चार सौ छियानवे दशमलव दो सेंटीमीटर हम अपनी L1 को मानेंगे। L2 ज्ञात करने के लिए हम पुनः प्राथमिक परिपथ को ऑन करते हैं और द्वितीयक परिपथ में हम कुंजी लगाकर प्रतिरोध बॉक्स में से एक न्यूनतम या अपनी इच्छा से कोई 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पुनः देखते हैं संयोजन सही है या नहीं। ए बिंदु के पास विक्षेप गैल्वेनोमीटर में दाईं तरफ है और बी बिंदु पर बाईं तरफ है, अतः हमें संतुलन बिंदु मिलेगा। हम ए सिरे से धीरे धीरे बी की ओर बढ़ते हैं तो हमें लग रहा है कि संतुलन बिंदु ये हमें संतुलन बिंदु पहले ही तार पर प्राप्त हो रहा है। हालांकि हम धारा को कंट्रोल करके या नियंत्रित करके पहले तार को छोड़कर दूसरे तीसरे तार पर भी ले सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में हमने विभव प्रवणता ऐसी सेट कर रखी है उसे हम जब तक L1 L2 का सेट न लेंगे तब तक धारा नियंत्रक को नहीं बदलेंगे। यह संतुलन बिंदु यहाँ पहले ही तार पर आ रहा है। इस लंबाई को हम सीधे ही यहां से अपने तार पर पड़ेंगे, स्केल लगा हुआ है तो यह दूरी आ रही है 51.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने L2 को भी ज्ञात कर लिया। पुनः परिपथ को बंद करेंगे और कैलकुलेशन करने के लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमने L1 496.2 सेंटीमीटर ज्ञात की थी और जब प्रतिरोध बॉक्स में से 2 ओम प्रतिरोध निकाला था यहां से और इस कुंजी को बंद किया था तो इस सेल को संतुलन लंबाई जब हमने प्राप्त की, अर्थात इस सेल का विभवांतर इन दोनों सिरों के बीच में जो आया उसे विभवमापी के तार पर 51.4 सेंटीमीटर पर हमने उसे संतुलित किया था। कैलकुलेशन स्मॉल आर की करने के लिए हम इधर आएंगे, L1 और L2 के मान लिखकर पुनः L2 का मान हर में देकर और जो रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने रेजिस्टेंस निकाला था उसका मान यहां रखेंगे। इनको डिफरेंस यहां लिखेंगे और इन दोनों को डिवाइड करने से यह मान आया और 2 से गुणा करने पर 17.3 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आई, अर्थात इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध वर्तमान परिस्थिति में 17.3 ओम प्राप्त हुआ है। हम इसी प्रकार से धारा को अगर स्थिर रखना चाहे तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से अलग अलग प्रतिरोध निकालकर L2 निकालकर L1 को एक ही मानकर स्मॉल आर की गणना 5 बार कर सकते हैं, या हम चाहे तो यहां से धारा बदलकर रेजिस्टेंस बॉक्स में स्थिर मान का प्रतिरोध रखकर भी हम इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमने केवल एक ही पाठ्यांक लिया है,
हम क्रमशः 2, 3, 4 और 5 नंबर के पाठ्यांक भी ले सकते हैं। इस प्रयोग में ध्यान ये रखना है कि हमें आंतरिक प्रतिरोध का औसत नहीं निकालना है, क्योंकि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसकी व्यक्तिगत कारणों पर निर्भर करता है, उससे ली जाने वाली धारा पर निर्भर करता है। अतः इसका परिणाम हम इस प्रकार लिखेंगे, जो भी न्यूनतम मान आंतरिक प्रतिरोध का प्राप्त हो और जो भी अधिकतम मान हमें आंतरिक प्रतिरोध का प्राप्त हो, उन दोनों मानों को हम लिखेंगे कि हमने दिए गए प्रयोग में प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहां न्यूनतम से लेकर यहां अधिकतम तक प्राप्त किया। इस प्रकार हमारा यह प्रयोग पूर्ण हो सके। ए भाग में क्रम संख्या 6 पर जो प्रयोग दिया है गैल्वेनोमीटर